जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो मैं आपके लिए एक नई खुशखबरी आज लेके आया हूँ। आपने देख भी लिया होगा, लेकिन आपके सामने जो योग्यता है, पोस्ट है, सारी आपके सामने लेकर आया हूँ। CRPF में एक वैकेंसी आई है, सब इंस्पेक्टर की आई है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी इसमें आई है CRPF में। अगर किसी का सपना है फोर्स में जाने का, तो भाई साहब आपका सपना अब पूरा हो सकता है। बढ़िया वैकेंसी है, इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसका प्रोसेस है, पहले एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है CRPF में जो वैकेंसी है, इसमें आप देख सकते हो जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, वो है 1 मई। 1 मई से ये शुरू हो चुका है, ये 1 मई से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है वो है 21 मई। और इसका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, टेंटेटिव है, यहाँ पे देख लिए, बदलाव किया जा सकता है, बदलाव संभव है। तो 13 जून तक एडमिट कार्ड आ सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT तो वो है 24 जून से 25 जून, मतलब यहाँ पर 2 दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने की अभी तक सोच है कि हो सकता है। बाकी टेंटेटिव है ये दोनों। बाकी आप जो फॉर्म है 21 मई तक है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप एक बार फॉर्म फ्लिप कर दें अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। तो चलते हैं आगे। इसमें जो पोस्ट है वो आप देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट, तो ये देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया ये सब इंस्पेक्टर और ASI। टोटल पोस्ट है 212। पे स्केल वो देख लेंगे, पोस्ट वाइज हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई 21 मई है। ये एडमिट कार्ड आ गया, एग्ज़ाम हो गया, मोड ऑफ ऑनलाइन हो गया, ये तो आपको बता ही दिया मैंने इसके लिए। और मैं आपको पोस्ट वाइज बता रहा था कितनी क्या वैकेंसी है। इसमें 212 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसमें, देख सकते हो आप किसमें हैं। रेडियो ऑपरेटर जो है SI की, वो उसमें 19 है। क्रिप्टो में 7 है, टेक्निकल में 5, सिविल में 20। ASI में ज़्यादा पोस्ट हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसमें ज़रूर लगाएं, 146 पोस्ट हैं। और जो ड्रॉट्समैन गए ASI की, इसमें आप 15 पोस्ट हैं। चलते हैं आगे। तो इसमें जो आवेदन शुल्क आप देख लीजिए एक बार, OBC जनरल वाले, तो जनरल OBC अगर आप SI के लिए करोगे तो आप 200 रुपये दोगे या 200 रुपये पे करना पड़ेगा, और अगर आप ASI के लिए फॉर्म करोगे तो 100 रुपये। बाकी SC ST वाले कोई चार्ज इसके लिए रखा नहीं गया है। चलते हैं आगे। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है थोड़ी हाई रखी गई है इसमें, क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है। तो आप इसमें देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर जो रेडियो ऑपरेटर होगा उसमें, अगर आपके पास BSc है ना, BSc वाला बंदा आराम से शानदार फाइट करेगा इसको। अगर BSc है तो आप चूकना मत इस पोस्ट को लगाने के लिए, शानदार है। इसका जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही सरल सिलेबस मुझे लगा है। वो जो सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो है, उसमें भी आपके पास BSc होना ज़रूरी है। जो टेक्निकल है उसमें, अगर आपके पास BTech है इंजीनियरिंग में, BTech है कंप्यूटर साइंस में, या है ना, तो आप टेक्निकल लगा सकते हो। सब इंस्पेक्टर सिविल के केवल और केवल मेल है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और जो ASI टेक्निकल है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखिए, इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। जो ASI ड्रॉट्समैन गए, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, ड्रॉट्समैन सिविल मैकेनिक इंजीनियर। अब आप देख लीजिए प्रोसेस क्या रहती है, इसके प्रोसेस कैसे, इसका एग्ज़ाम कैसे, इसका फिजिकल होने वाला है। सबसे पहले इसमें होगा रिटन टेस्ट, फिर बाद में होगा PST और PET, फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, उसका सिलेबस अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो एक और बनाऊंगा, उसके सिलेबस पर पूरी चर्चा करेंगे हम। जो PET और PST है वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें मैंने देखा है 1600 मीटर है 9 मिनट में, और SI के लिए है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है इसका फिजिकल। और जो DV और मेडिकल ये तो होता ही होता है, बाकी रिटन टेस्ट इसका ज़्यादा मुझे हाई लगा नहीं। तो आप एक बार इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। और बाकी ऐसे ही अलग जो अनेक भर्तियां आती रहती है, उसके बारे में अगर आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। जय हिंद, तब तक के लिए।